मैं हूं अभी दुस्सैन शेख, आपका खैर मकदम है फोर टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। तमिलनाडु को पानी छोड़ना अब इम्पॉसिबल, सीएम सिद्धरामैया का बयान। कावेरी पानी बंटवारे पर कर्नाटका सरकार का बड़ा फैसला, तमिलनाडु को कावेरी पानी छोड़ना अब नामुमकिन। दोबारा जांच करके परमिशन देने सुप्रीम कोर्ट से की गई अपील में मेकेडाटू योजना को भी इजाजत देने की मांग इस मीटिंग में की गई। ये फैसला कानून के विद्वानों की एक अहम बैठक में लिया गया। सीएम सिद्धरामैया ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के साथ ही इस बैठक में कावेरी अथॉरिटी बोर्ड से ये अपील की। सरकार ने अब देखना होगा कि किस पक्ष में आएगा आने वाला फैसला। अक्टूबर 5 को बुलाई हड़ताल वापस। 2021 में हड़ताल के चलते निकाले गए वर्कर्स को दोबारा ड्यूटी पर लेने, ट्रांसपोर्ट निगम में कर्मचारियों की कमी को जल्द भर्ती करके पूरा करने, जीपीपी मॉडल से बस ना खरीदने, कंडक्टर और ड्राइवर निगम का ही होने जैसे कई मांगों को लेकर केएसआरटीसी नौकर 5 अक्टूबर को बुलाई हड़ताल को वापस लिया। केएसआरटीसी एमडी अनूप कुमार और कर्मचारियों के नेताओं की हुई एक अहम बैठक के बाद कर्मचारियों की मांग है कि ट्रांसपोर्ट मंत्री के साथ एक बैठक बुलाई जाए। इनकी बात को माना है एमडी अनूप कुमार ने। महिलाओं को टारगेट करने वाला साइको मनचला गिरफ्तार। अकेली महिलाओं को टारगेट करके परेशान करने वाला साइको मनचला, जो गैरेज में काम करके रिपेयर को आए बाइक्स से शहर के कोने कोने में घूमकर अकेली महिलाओं के आसपास घूमते हुए परेशान और बुरी नजर डालने वाला अय्यप्पा नामी साइको मनचले के खिलाफ कई महिलाओं को छेड़ने, गलत काम करने के चलते मामले दर्ज हुए थे। कई दिनों से गंदी हरकतें करके फरार इस गुनहगार अय्यप्पा को बेंगलुरु हाईग्राउंड पुलिस ने किया है अब गिरफ्तार। दिन दहाड़े व्यक्ति को लूट कर फरार चोरों की गैंग। बेंगलुरु के आनेकल मरसूरू गेट के पास फाइनेंस कर्मचारी से एक ही बाइक पर आए 3 लुटेरों की गैंग ने 1,50,000 रुपये लूट कर फरार होने का नजारा सीसीटीवी में हुआ कैद। इस वारदात को लेकर सूर्या नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। कल गोश्त बेचने पर पाबंदी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के चलते राज्य भर में जानवरों के जुबा और गोश्त फरोख्त पर पाबंदी का आदेश के सारा दिन गोश्त के बेचने और जानवरों के काटने पर होगी बंदिश। इसका पालन ना करने वालों पर कार्रवाई होने की बात अपने आदेश में कही है बीबीएमपी ने फरमान में। सरकारी अधिकारी पर लोक आयुक्त की रेड। हावेरी जिला हिरेकेरूर के पट्टन पंचायत दफ्तर में लोक आयुक्त की छापामारी। हाथी मत्तूर नामी अधिकारी को रिश्वत लेते वक्त रंगे हाथों पकड़ा। लोक आयुक्त टीम ने जमीन के ई प्रॉपर्टी खाता बदलाव के लिए की थी लाखों की तनख्वाह लेने वाले ऑफिसर ने 10,000 रिश्वत की मांग, जिसको पकड़ा लोक आयुक्त ने। डीजे हल्डी केजी हल्डी फसादात की रिपोर्ट को ही सही माना सरकार ने। भाजपा सरकार में हुए डीजे हल्डी केजी हल्डी फसाद के बाद बिठाई गई जांच रिपोर्ट के खिलाफ तब की विरोध पक्ष में रही कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को एक तरफा जांच बताकर विरोध किया था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इसी बीजेपी के अधिकार में की गई रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए उस वक्त की गई बीजेपी की कार्रवाई सही थी के मानने से कांग्रेस के लगाए गए आरोप ही झूठे निकले, हमारे ही रिपोर्ट मानकर, कहा पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने। अक्टूबर में मिलेंगे पूरे 10 किलो चावल, फूड मंत्री का बयान। कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी अन्न भाग्य योजना के ऐलान के बाद केंद्र सरकार से चावल न मिलने से ये अन्न भाग्य योजना धन भाग्य योजना होकर 5 किलो चावल के बदले रुपया देने का काम कर रही थी सरकार। 1,08,00,000 परिवारों को रुपया दिया गया है।
अब तक केंद्र के मना करने, सूखा पड़ने के कारण चावल की किल्लत, पैदावार में कमी के चलते 10 किलो चावल नहीं दिए गए। इसको लेकर तमाम रुकावटों को दूर करके बातचीत का आखिरी दौर चल रहा है। अक्टूबर से जनता को मिलेंगे पूरे 10 किलो चावल, कहा फूड मंत्री के एच मुनियप्पा ने। कार में अचानक आग, देखते ही देखते इलेक्ट्रिक कार जलकर हुई राख। बेंगलुरु के जेपी नगर में अचानक इलेक्ट्रिक कार के इंजन में लगी आग ने पूरी कार को अपने लपेटों में लेकर बर्बाद कर दिया। चमचमाती कार को कुछ ही पलों में आग लगने का अंदेशा होते ही कार से सुरक्षित बचकर बाहर निकले ड्राइवर और यात्री। आए दिन इलेक्ट्रिक वाहनों का कोई ना कोई हादसा देखने को मिल ही रहा है, आग लगने से नुकसान होने का। जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाला मेडिकल फार्मेसी, एक्सपायर हुए दवाई पर नया लेबल। लोग दवाई खरीदते वक्त रेट नहीं डेट देखें, वरना हो सकता है आपकी जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़। बेंगलुरु के राजाजी नगर में रहे मेडिगेट फार्मेसी पर सीसीबी पुलिस की छापामारी में यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिसको देखकर खुद पुलिस हो गई हैरान। एक्सपायर हुए दवाई पर नए लेबल के स्टिकर, इसका भंडार और दवाइयों पर लगाकर बेचने का काम, तमाम एक्सपायरी दवाइयों पर नया लेबल लगाए इस फार्मेसी में 1,50,00,000 की मेडिसिन और कॉस्मेटिक सीज किया है सीसीबी पुलिस ने। बाप बचावत और बेटे अभिषेक को गिरफ्तार करने की जानकारी दी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने। साइबर चोरों का पर्दाफाश, 854 करोड़ का सच निकला बाहर। कुल 94 बैंकों से 854 करोड़ का ट्रांसफर। लोगों के लालच का फायदा उठाकर ऑनलाइन लूटने वाले 6 साइबर चोर गिरफ्तार। बेंगलुरु सीसीबी पुलिस का ऑपरेशन साइबर क्राइम कामयाब। उंगलियों के इशारों से ओटीपी के जरिए लूटने वाले शातिर चोरों का पर्दाफाश। बेंगलुरु के 17 मामलों में 49,00,000 की गुत्थी को सुलझाने के दौरान हाथ लगी शातिर साइबर चोरों की ये गैंग, जिसकी जानकारी दी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने। लाख रुपया देने पर भी कोई ये काम नहीं करेगा, सफाई कर्मचारियों की मांग। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के डेली वेजी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। हम जायदाद नहीं, हमारी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं। कोई भी लाख रुपया देने पर भी ये काम नहीं करेगा जो हम करते हैं। हमारी तनख्वाह बढ़ाने और तमाम को परमानेंट करने की मांग करते हुए आधे नंगे कपड़ों में प्रदर्शन करके अपना हक मांगते नजर आए सफाई कर्मचारी। सरकारी हॉस्टल्स के बच्चों को स्वच्छता का किट। समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग के हॉस्टल्स के लिए 5,48,000 बच्चों को 93 रुपयों की लागत से टूथपेस्ट, ब्रश, नारियल का तेल, फेस का साबुन, कपड़ों का साबुन सहित स्वच्छता का किट उपलब्ध करवाते हुए लड़कों और लड़कियों के लिए 135 रुपयों की लागत पर सहमति हुई। सीएम के साथ हुई इस मीटिंग में साल भर 90 करोड़ रुपयों का खर्च होगा। मीटिंग में दिए जाने वाले किट की क्वालिटी और सामान को बढ़ाने का सुझाव दिया अधिकारियों को सीएम सिद्धरामैया ने, कि हमारा मकसद गरीब बच्चों को सेहत के साथ अच्छी शिक्षा देना है, कहा सिद्धरामैया ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।